ना कि आप एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर, क्योंकि आपकी भी गंदगी ढांकी हुई है। अगर मैं किसी की बात पर पर्दा डाल रहा हूं तो पहले पहले मेरी बात पर पर्दा डाला गया है स्वर्ग से, तब हो सकता है प्रेम। विद्वान लोग बताते हैं कि प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम खामियां खराबियां नहीं ढूंढता, प्रेम फिर प्रेम ही रहता है। ये गॉडली लव है। अपने से लगा लो आइडिया, मैं अपने बारे में ही कहता हूं कि मेरे जैसा वाहियात व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा। अगर यीशु मसीह मुझे सुधार सकता है तो सोचता मैं किसी को भी सुधार सकता, मेरे जैसा यूजलेस व्यक्ति कोई नहीं था। जब उसके प्रेम के बारे में सोचता सोचता हूं कि प्रभु आपने क्या किया ऐसा, आपने मेरे धर्म राग पाप रोग शोक संताप ढांप दिए मिटा दिए, तब आपने मुझसे प्रेम। अगर वो उघाड़े रहते तो फिर करना मुश्किल था। लास्ट की बात, फिर अध्याय 24-25 हमने पढ़ लिया, परमेश्वर से प्रेम करें, पड़ोसी से प्रेम करें, और तीसरी नई आज्ञा क्या है, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। योहन्ना 13:24-25 हमने पढ़ लिया। आपके पास आज्ञा का पालन करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते आप। आज्ञा का पालन करना आपकी तरफ परमेश्वर के राज्य के द्वार खोलेगा। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे स्वर्ग के रास्ते हमारे तरफ खुलते हैं, जितने ज्यादा हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उतने ज्यादा नरक के रास्ते हमारे तरफ खुल जाते हैं, जिससे हम ट्रबल में परेशानी में फंस जाते हैं, तकलीफ में फंस जाते हैं। आशीषें आती नहीं है, हम पुकारते रहते हैं, बरकतें आती नहीं है, पुकारते रहते हैं, हमारे जीवन में हमारे घर में कुछ भी नया नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं और हमने रास्ता नहीं सुधारा, चाल नहीं सुधारी। अनज्ञाकारिता में रहकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अनज्ञाकारिता में रहते रहते आप आशीषित नहीं हो सकते। आप अनज्ञाकारिता में रहते रहते आप प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं प्रार्थना के, लेकिन आप अनज्ञाकारिता में रहते रहते आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। आशीष प्राप्त करने के लिए तो हमें अनज्ञाकारिता के मार्ग से बाहर आना पड़ेगा। और कहां कहां हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, मेरे बारे में मैं जानता हूं, आप अपने बारे में जानते हैं। आपको मुझे और मुझे आपको बैठ करके ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ये वाली बात आज सुनाई दे गई है, आपने सुन ली है, आपके पास पहुंचा दी गई है, तो मेरा ये विश्वास है कि हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जान गया है आज कहां कहां अनज्ञाकारिता है, कौन कौन से काम मैं कर तो रहा हूं लेकिन फुल आज्ञाकारिता में नहीं कर रहा हूं, पूरी आज्ञा का पालन करते हुए। शैमुएल कहता है ये वाली बात, पहला शैमुएल की किताब में, कि मैं तो तुम्हें सीधा और सच्चा मार्ग बताता रहूंगा, मेरा काम यही है, मैं तुम्हें सही बात बताता रहूंगा। शैमुएल कहता है इसराइलियों को, तुम उस बात को मानो या न मानो, कोशिश करिए आप आज्ञा का पालन सही ढंग से करने के लिए। परमेश्वर का समय परमेश्वर को सही तरीके से दे आप, परमेश्वर का पैसा पूरा दीजिए आप उसको, परमेश्वर के आराधना जो आपको आपसे मिलना चाहिए पूरी आराधना को आप, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता आपको पूरी देना चाहिए, आप उसके प्रति थैंकफुल हैं, आपको पूरी तरह अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, कंप्लीटली पूरी तरह से आप करो। अगर आपका आपका ही हिस्सा परमेश्वर की तरफ से आपको पूरा ना दिया जाए आपको कैसा लगेगा। अगर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर 3 दिन तक ना दे तो हम क्या सोचते हैं कि प्रभु क्यों मेरी बात का उत्तर नहीं आ रहा, वो तो सालों से हमें झेला कि तू तो सालों से मेरी बात नहीं मानता आ रहा है, बस मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और आज्ञा का पालन करना ये आपका और मेरा कर्तव्य कर्म है एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल। एक मसीह शिष्य होने के नाते आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, या तो आप आज्ञा मानेंगे या आप आज्ञा नहीं मानेंगे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। 100 रुपए की बजाय 70 रुपए देकर के मैंने बड़ा भारी काम नहीं किया बल्कि नुकसान कर लिया अपना, 70 रुपए भी गए और बात भी मानी नहीं गई। स्वर्ग में क्या कहा जाएगा, बात मानी, तालियां बजाओ फरिश्तों, इसे शनि बजा को 70 रुपए दे दिए, ये कहेगा परमेश्वर, ऐसा नहीं कोई जरूरत है ताली बजाने की, इसने अपना ही नुकसान किया, अपना 100 करोड़ भी तुड़वाया, 70 दिए और फिर भी बात पूरी मानी नहीं गई।
आपको और मुझे लिया गया है साहब कि हम आज्ञा का पालन करें, ऐसा लिखा है वहां पे कि इसी से लोग जान जाएंगे। आपको मुझे बताते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी आर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। जब तुम मेरी बात मानोगे, आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले, यू आर माय डिसाइपल। आज्ञा का पालन करने से ये बात प्रूफ होगी। बात रुपए पैसे की नहीं है, बात किसकी है? बात मानने की है। बात रुपए पैसे की नहीं है, बात कहे की है? बात मानने की बात है। चाहे फिर उसके लिए मुझे रुपया भी देना पड़े। मान लो, मैं गवाही देता हूं आपको, आज बताई देता हूं। कई साल पहले हमें एक लेडी ने माइक्रोवेव दिया। माइक्रोवेव समझते हैं आपके घरों में होगा, हमारे घर में बहुत देर में आया, बात में आया है ना। मेरी वाइफ ने उसको धन्यवाद दिया फोन करके, उसने बोला कि मेरा इसमें आनंद नहीं है कि आपके घर में एक चीज बढ़ गई, मेरी कोई खुशी नहीं इसमें कि आपको माइक्रोवेव मिल गया। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैंने केवल उसकी आज्ञा का पालन किया है। क्या बात है यार। वो ये कहती है कि मैंने, मुझे कोई खुशी नहीं इस बात की कि आपको आपके घर में माइक्रोवेव आ गया, जबकि उसके घर में नहीं है बेचारी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उसने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा करूं और मैंने कर दिया। फिर आज्ञा पालन करने का आनंद आता है कि नहीं आता है? लेना चाहते हो तो करें। बढ़िया गवाही है ये मिस लेडी की, आपके घर में एक चीज बढ़ गई, मुझे इससे क्या फायदा? और मेरा कोई आनंद नहीं है इसमें कि आपको माइक्रोवेव मिल गया है। आनंद मुझे, मुझे इस बात का आनंद है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा करूं और मैंने कर दिया। बस मुझे आज्ञा पालन का आनंद है। बट अ ग्रेट गॉड भी है, और ग्रेट गॉड के ग्रेट लोग भी हैं साहब। Have a big hand for God. यीशु मसीह के लिए, इसके ऐसे महान लोगों के लिए, तो आज्ञा पालन में आनंद ढूंढते हैं, तो आज्ञा पालन में तसल्ली ढूंढते हैं, आज्ञा पालन में खुशी ढूंढते हैं, आज्ञा पालन में नुकसान नहीं देखते। आज्ञा का पालन करने से नुकसान हो रहा है, पैसा ज्यादा जा रहा है आज्ञा पालन करने से। आज्ञा पालन करने से अगर पैसा ज्यादा जाए तो जाने दो, आनंद आना चाहिए आज्ञा पालन का। पवित्र प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि आप महान हैं। आज के संदेश को प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष दी है और आपके आत्मा के माध्यम से आपने हमसे बातें की हैं प्रभु। और जो ये आज्ञाकारिता का, आज्ञा पालन का प्रभु जी प्रेम करने का जो प्रभु जी पाठ आज आपके आत्मा के द्वारा से हमने सीखा है, ये हमारे जीवन में काम करने पाए और हमने से हर एक आपकी महान आज्ञा और इन दोनों आज्ञाओं का भी पालन कर सके। प्रभु जी मदद करें, सहायता करें कि हम मृत्यु के दिन तक आज्ञाकारी रहें। आज्ञाकारिता का प्रभु जी कोई दूसरा रास्ता हम ना खोज लें। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मानते हैं, आमीन।